अभी पिछले दिनों हमारे एचआरडी मिनिस्टर की तरफ से दो ट्वीट किए गए। एक ट्वीट में ये कहा गया कि सीबीएसई सिलेबस रिड्यूस करने पर विचार कर रही है और डेफिनेटली क्योंकि ये सेशन छोटा हो जाएगा तो सिलेबस भी रिड्यूस किया जाएगा। फिर दूसरे ट्वीट में उन्होंने कहा कि जो एजुकेशनिस्ट हैं उनसे हम सजेशन डिमांड कर रहे हैं कि वो हमें सजेशन दें सिलेबस कितना कैसे रिड्यूस करना है, किस सब्जेक्ट में कितना सिलेबस रिड्यूस करना है, कौन से चैप्टर रिड्यूस करने हैं, कौन से चैप्टर कम नहीं करने हैं सिलेबस में। ठीक है, अब बहुत सारे स्टूडेंट्स और एजुकेशनिस्ट इस बात पर बहस कर रहे हैं इंडिया में कि सिलेबस रिड्यूस होना चाहिए या नहीं। देखिए, जब भी 11th या 12th का जो सिलेबस होता है, 11th की तो चलो मैं फिर भी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं स्पेशली बात कर रहा हूँ 12th क्लास की। 12th क्लास का जो सिलेबस होता है वो आगे के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में काम आता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम बात करें 12th कॉमर्स की, 12th कॉमर्स में जो आप इकोनॉमिक्स और अकाउंटेंसी पढ़ते हैं वो आपको CA CS या अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, या फिर आप BCom भी करते हैं तो वहाँ पर आपका बेसिक है, वो बेसिस है आगे की क्लासेस का। ऐसे ही साइंस में जो साइंस का सिलेबस है, वेदर इट इज़ रिलेटेड टू नॉन मेडिकल और मेडिकल, चाहे वो मेडिकल स्ट्रीम से रिलेटेड हो चाहे नॉन मेडिकल स्ट्रीम से रिलेटेड हो, आगे जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं या क्लासेस होती हैं वो सिलेबस उसके बेसिस का काम करता है। अगर CBSE उन सिलेबस को रिड्यूस कर देती है, उस सिलेबस को हटा देती है, तो हमारे जो स्टूडेंट्स हैं वो लेस कॉम्पिटिटिव हो जाएंगे, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में वो उस तरीके से परफॉर्म नहीं कर पाएंगे जैसे वो पहले लास्ट की जनरेशंस परफॉर्म करती थी। ठीक है, तो सिलेबस रिड्यूस करने का एक नुकसान ये भी हो सकता है कि हमारे जो स्टूडेंट्स हैं उनकी कॉम्पिटिटिवनेस फ्यूचर में कम हो जाएगी, या फिर उनका जो बेसिस है वो कमज़ोर हो जाएगा फॉर द कमिंग एग्जाम्स, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए, कमिंग क्लासेस के लिए। दूसरी तरफ अगर CBSE ने सिलेबस रिड्यूस नहीं किया तो सेशन तो छोटा होने वाला है, मार्च से लेकर के आप देख रहे हैं कि जून जुलाई अगस्त तक का टाइम भी वेस्ट हो सकता है स्टूडेंट्स का, अगस्त तक क्लासेस लगने के कोई चांसेस नहीं है जैसा कि मैं लास्ट के कुछ वीडियोस में आपको बता चुका हूँ। तो इतना सारा टाइम कवर कैसे करेंगे स्टूडेंट्स, इस टाइम पीरियड में जो सिलेबस होना था वो स्टूडेंट्स कवर कैसे करेंगे। तो यहाँ पर मेरा मानना ये है कि CBSE को जो बहुत ही इररेलीवेंट से टॉपिक हैं, लेस इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वही रिड्यूस करने चाहिए। बाकी ऐसे टॉपिक जो आने वाले कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में काम आते हैं, हालांकि सारे ही टॉपिक इंपॉर्टेंट होते हैं, आने वाले एग्जाम्स में सभी टॉपिक काम आते हैं, उनको रिड्यूस कर देना चाहिए। अदरवाइज हम देखते हैं कि हर स्कूल में, जितने भी स्कूल्स हैं इंडिया में, वो सिलेबस को 2 या 3 बार जनरली रिवाइज करवाते ही हैं। अगर एक बार भी सिलेबस हो जाएगा तो उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। मुझे लगता है कि CBSE को सिलेबस ज़्यादा रिड्यूस ना करके इस बात पे फोकस करना चाहिए कि थोड़ा सा टाइम पीरियड बढ़ा दिया जाए सेशन का, जो एकेडमिक सेशन है 2020-21 उसका थोड़ा सा टाइम पीरियड बढ़ा के, और सिलेबस के केवल इररेलीवेंट से टॉपिक हटाए जा सकते हैं। आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए कि कौन कौन से टॉपिक हटाने चाहिए या नहीं हटाने चाहिए, सिलेबस रिड्यूस होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो लाइक करके जरूर एनकरेज करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग क्रिएटिव इकोनॉमिक्स।